नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले दो सप्ताह से जेल में हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से आप पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप कार्यकर्ता की माने तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी ने बिना किसी सबूत के केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाल दिया है। आप कार्यकर्ता अपने नेता को जेल से रिहा कराने के लिए 8 मार्च को देश भर में सामूहिक उपवास कर रहे हैं। जबलपुर के टाउन हॉल में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास बैठे और केंद्र सरकार की निंदा की। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। दबे नहीं, दबे नहीं, मिटे नहीं, दबे नहीं, मिटे नहीं। हम वो इंकलाब है, हम वो इंकलाब है, हम वो इंकलाब है, हम वो इंकलाब है। जुल्म का जवाब है, जवाब है, जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। पीछे आओ ना अंकल। मैदान में महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग आज उपवास पर बैठे हैं। हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जिस प्रकार से झूठे आपराधिक मामलों में ईडी के द्वारा फंसाए गए हैं और उन्हें जेल भेजा गया है, ये आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जब मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा जा रहा है और एक तानाशाही सरकार जो है जुल्म को एक इंतहा जिसकी होती है वो उस इंतहा तक पहुंच गई है और इस जुल्म के खिलाफ आज हम लोग शांतिपूर्वक उपवास पर यहां बैठे हैं। रामकिशोर शिवहरे। आज आम आदमी पार्टी जबलपुर इकाई द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट के आह्वान पे दिल्ली गवर्नमेंट के आह्वान पे आज हम लोगों ने यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में बंद है उनको छुड़ाने के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए आज एक उपवास का प्रोग्राम पूरे भारत में एक साथ रखा गया है। उसी के तहत आज जबलपुर आम आदमी पार्टी भी जबलपुर में हमारे सभी साथी मिलकर उपवास का प्रोग्राम रख रहे हैं और आने वाले समय के अच्छे भविष्य के लिए, देश के अच्छे भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए आम आदमी पार्टी अमर रहे और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में एक ऐसा विकल्प बन के आए कि ये जितनी पार्टियां हैं सारी की पार्टियां ध्वस्त हो जाएं और आने वाला समय बहुत अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं डॉक्टर ओम बाबू जांगड़, जबलपुर जिलाध्यक्ष। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।